हेलो गाइस, सत सत श्री अकाल, श्रीकाल, नमस्कार, नमस्कार, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम एंड एंड वेलकम वेलकम बैक बैक टू टू अवर अवर यूट्यूब यूट्यूब चैनल चैनल लकी लकी आर आर व्लॉग। व्लॉग। ते हाजिर है दोस्तों तुहाडे सामने एक नवी रिएक्शन वीडियो दे नाल। ते जिवें सानू पता ही है कि जो टैलेंट होंदा है ओह मोस्टली गरीबां 'च ही होंदा है। गरीबां दे बच्चे बहुत ही टैलेंटेड होंदे ने। ते अज दी आपां वीडियो 'च विच वेखांगे कि टॉप 10 ऐसे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि बड़े गरीब सन। पहले एक गरीब फैमिली तो आए ने, गरीब उन्हां दी बैकग्राउंड है, ते बट उन्हां दे विच टैलेंट पूरा सी, भरपूर टैलेंट सी, ते इस करके वो अगे आए ते अपने देश वास्ते उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ते बिल्कुल गाइस, ते असीं देखते हाँ वीडियो विच किन्ना किन्ना दी गल हुंदी है। सो करदे हाँ असीं वीडियो नूं स्टार्ट। ते उस तों पहले तुसीं साडे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करियो ते नाल दी नाल बैल आइकन नूं भी प्रेस कर लियो तां कि साडे वीडियोज़ दे नोटिफिकेशन तुहानूं मिलन सब तों पहले। ते असीं करदे हाँ वीडियो नूं स्टार्ट स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान अली टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान वो सरज़मीन है जिसने कई हीरे पैदा किए हैं, लेकिन उन हीरों को हीरा बनने में कितनी गुर्बत और तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ी और कितना वक्त लगा, ये तो बस वही जानते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो आज करोड़पति हैं, माजी में उनके पास एक बैट या बॉल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 10 मशहूर तरीन क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत गरीब हुआ करते थे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब गरीबी जरूर विचों करें। बहुत बंदे उठ के बाहर शुक्रिया। अगे आंदे ने ते काफी अपने नंबर देश से 10 अच्छा करदे ने। अब्दुल रजाक। दोस्तों, अब्दुल पाकिस्तान रजाक का वो बेहतरीन ऑलराउंडर जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक हिटर बैट्समैन भी माना जाता है। 42 साल अब्दुल रजाक, जिनका ताल्लुक लाहौर से है और ये लाहौर के एक गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके 4 भाई और एक बहन है। इनके वालिद एक छोटे मोटे मैकेनिक थे और वो रेहान मिल्स के अंदर काम करते थे। उनका हाथ मशीन में आने की वजह से कट गया था, जिसकी वजह से उन्हें वो काम छोड़ना पड़ा, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना चाहते थे। इसी दौरान अब्दुल रजाक शादरा मोड़ के इलाके में मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया करते थे। खास तौर पर ये गुल्ली डंडे के मशहूर खिलाड़ी थे, लेकिन अच्छा। इन सब खेलों की वजह से अब्दुल रजाक को घर में बहुत मार पड़ती थी। गुर्बत की वजह से ये दोस्तों के साथ मिलकर चंदा इकट्ठा करते और गेंद बल्ला खरीद कर अपने क्रिकेट के शौक को पूरा करते थे। हत्ता के ईद पर मिलने वाली ईदी के पैसों से भी ये क्रिकेट का सामान लिया करते थे, और यही शौक और लगन एक दिन इनके काम आ जाती है। अब्दुल रजाक अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने में कामयाब हो जाते हैं और आज अब्दुल रजाक क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह अब्दुल रजाक के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को अपने बिल्कुल दोस्तों के बड़े साथ मैच वेखे हुए शेयर ने अब्दुल जरूर रजाक दे, करें। जिंदे विच रजाक ने नंबर 9 100 मोहम्मद मैच आसिफ। जिताए हुए ने। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वो वाहिद खतरनाक फास्ट बॉलर जिसे पाकिस्तानी मैगरा और जादूगर बॉलर माना जाता था, जिसकी बिल्कुल गेंदबाजी मुखालिफ खिलाड़ी के लिए किसी सजा से कम न थी। मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के शहर शेखुपुरा के इलाके माछी का रहने वाला है। ये गुज्जर बरादरी के एक गरीब घराने में पैदा हुए। इनको स्कूल के टाइम से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, इसी वजह से ये अपनी तालीम मुकम्मल न कर सके और पढ़ाई छोड़कर ये अपना पूरा वक्त खेलने में गुजार देते थे। इन्होंने गरीब घराने से होने के बावजूद दोस्तों से पैसे उधार लेकर शेखुपुरा क्रिकेट क्लब को ज्वाइन कर लिया और यहीं से अपनी कामयाबियों की तरफ रवा दवा हो गए, और आखिरकार 2005 में इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बना लिया गया। ये शानदार और लाजवाब बॉलिंग की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। अब न सिर्फ ये पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के बॉलर थे, बल्कि ये एक अमीर तरीन क्रिकेटर भी बन चुके थे। लेकिन अपनी गुर्बत और बट माजी भैया को अपनी गलती भुलाकर करके पैसे के नशे में अफीम का नशा दिक्कत करने लग करना जाते हैं, बाहर और हो गए सी आखिरकार क्रिकेट तो। इसी नशे की वजह से और मैच फिक्सिंग की वजह से ये अपना शानदार करियर खुद अपने हाथों से तबाह कर चुके हैं। नंबर 8, शाहनवाज दहानी। दोस्तों, अगर शाहनवाज दहानी की बात की जाए तो किसी को क्या पता कि हंसता मुस्कुराता ये चेहरा अपनी ज़िंदगी की कौन कौन सी मुसीबतें और परेशानियां बर्दाश्त करके आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर इस मकाम तक पहुंचा है। शाहनवाज दहानी सिंध के शहर लाड़काना के एक छोटे से गाँव में पैदा हुए। वहाँ अपने वालिद और भाई के साथ खेती बाड़ी का काम किया करते थे। इसके अलावा 3 साल तक मंडी में मजदूरी भी की ताकि घर के हालात बेहतर हो सकें। शाहनवाज दहानी के घर वाले इनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, खास तौर पर इनका वालिद जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी इनके क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ था।
लेकिन शाहनवाज दहानी ने चोरी छुपके टेप बॉल के साथ अपनी क्रिकेट को जारी रखा। दोस्तों, शाहनवाज दहानी को जब लाड़काना में अंडर 19 के ट्रायल्स के दौरान क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने का मौका मिला था तो उस वक्त इनके पास ना तो जूते थे और ना ही जुराबें थी। ये सब इनको इनके दोस्तों ने लेकर दिए थे, तब जाके ये ट्रायल्स देने पहुंचे। क्या बात है। आज शाहनवाज दहानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बेहतरीन फास्ट बॉलर बनकर पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। दोस्तों, अगर आप शाहनवाज दहानी की तरह मेहनत करके कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखें। नंबर 7, बाबर आजम। दोस्तों, दुनिया क्रिकेट की बल्लेबाजी में आज अपनी बादशाहत कायम करने वाले बाबर आजम, जो हर रोज कोई ना कोई रिकॉर्ड तोड़ते ही चले जा रहे हैं। इनकी बैटिंग इतनी मजबूत होती है कि कोई भी बॉलर इनको आउट करने में बेबस नजर आता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ये कैप्टन शुरू से ही बहुत गरीब हुआ करते थे। बाबर आजम के वालिद का कहना है कि इनके पास एक टूटा फूटा और पुराना सा मोटरसाइकिल हुआ करता था। उसी मोटरसाइकिल पर वो अपने बेटे बाबर आजम को अकेडमी लेकर जाया करते थे। इनके वालिद तपती हुई धूप में खड़े होकर अपने बेटे बाबर आजम के आने का इंतज़ार करते और इसी वजह से इनको 10 सालों से स्किन एलर्जी हो चुकी है। और गुर्बत का आलम यह होता था कि इनके वालिद के पास बस एक बंदे के खाने के पैसे हुआ करते थे और वो खुद भूखा रहकर अपने बेटे बाबर आजम को खाना खिलाया करते थे। फाकों की ज़िंदगी गुजारने वाले इस ख़ानदान में से आखिरकार बाबर आजम दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब न सिर्फ ये शोहरत की बुलंदियों को छू चुके हैं बल्कि इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन और इस वक्त दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज भी हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह बाबर आजम के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। नंबर 6, फ़खर जमान। दोस्तों, पाकिस्तान के शहर मर्दान के एक छोटे से गांव के गरीब घराने में पैदा होने वाला फ़खर जमान बचपन से ही कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना चाहता था। ये बल्लेबाज अपनी बल्लेबाजी दुनिया के सामने दिखाना चाहता था, लेकिन ये सब करने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। एक इंटरव्यू के दौरान फ़खर जमान बताते हैं कि इनकी ख्वाहिश थी कि इनके पास अपने पैड्स हों और बैट हो, लेकिन ये सब लेने के लिए इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे। दोस्तों, फ़खर जमान अपने शौक तो पूरे करना चाहता था, लेकिन सिर्फ 17 साल की उम्र में ही इसे अपने ख़ानदान की कफालत करना पड़ जाती है, क्योंकि इनका ख़ानदान बहुत ज़्यादा माली मसाइल का शिकार हो जाता है। इसी वजह से फ़खर जमान ने अपना शौक पीछे छोड़ते हुए पाक बहरिया में शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं। ताहम वो खुश नहीं थे, क्योंकि इनका जो शौक था वो कुछ और था। चलते चलते आखिरकार कराची शहर इनकी किस्मत बदल देता है और ये नेवी से निकलकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन जाते हैं। और आज ये बड़े बड़े बॉलर्स के छक्के छुड़ाकर अपनी खतरनाक बैटिंग की वजह से पूरी दुनिया में माने जाते हैं। दोस्तों, गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला फ़खर जमान सईद अनवर के बाद पाकिस्तान का वो वाहिद बैट्समैन है जिसने वनडे मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की है। नंबर 5, आसिफ अली। दोस्तों, आसिफ अली जिसे आज क्रिकेट का हर शौकीन जानता है, क्योंकि वर्ल्ड कप के अंदर इनकी शानदार बैटिंग ने पाकिस्तानी टीम को हारे हुए मैच जितवा दिए थे। लेकिन इनके माजी पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ये फैसलाबाद के इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुए थे। इनके वालिद फैक्ट्री में काम किया करते थे और सारा दिन मजदूरी करके अपने ख़ानदान के लिए दो वक्त की रोटी का बंदोबस्त किया करते थे। अपने घर के माली मसाइल की वजह से आसिफ अली अपनी तालीम जारी रखने में नाकाम हो जाते हैं और तालीम छोड़कर एक फैक्ट्री के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, जहां पर इन्हें माहाना सिर्फ 5,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। ताहम ये फिर भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, बचपन से ही आसिफ अली को क्रिकेट का बहुत शौक था, मगर फैक्ट्री में काम करने की वजह से इनका ये शौक एक ख्वाब बन चुका था। लेकिन हर हफ्ते जुम्मे के दिन ये अपना शौक पूरा करते और अपनी ये छुट्टी क्रिकेट खेलने में गुजार देते थे। एक दिन फैक्ट्री के मैनेजर ने इन्हें बोला, या तुम क्रिकेट खेलो या काम करो, और उस दिन ये अपनी नौकरी को खैरबाद कह देते हैं और अपने क्रिकेट के जुनून को जारी और सारी रखते हैं। दोस्तों, इसी जुनून और मेहनत की वजह से आज ये गरीब घराने का लड़का दुनिया भर में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ चुका है। नंबर 4, मोहम्मद इरफान। दोस्तों, मोहम्मद इरफान, जिनका ताल्लुक पंजाब के एक छोटे से शहर भोरेवाला के एक गरीब घराने से था। एक मामूली से गांव और गरीब घराने में पैदा होने वाले मोहम्मद इरफान ने बचपन से ही पढ़ाई छोड़कर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, जहां इनको माहाना सिर्फ 10,000 रुपये तनख्वाह अदा की जाती थी। लेकिन थोड़ी तनख्वाह के साथ इस फैक्ट्री में काम करना ही इनकी ज़िंदगी बदल कर रख देता है,
क्योंकि एक मरतबा इस फैक्ट्री के मालिक ने मोहम्मद इरफान को क्रिकेट खेलते हुए देख लिया था। दोस्तों, इस फैक्ट्री के मालिक ने मोहम्मद इरफान के क्रिकेट के जुनून को बरकरार रखने के लिए उन्हें शाम के वक्त क्रिकेट खेलने की इजाज़त दे दी, बल्कि बजाते खुद मोहम्मद इरफान को गाड़ी में बिठाकर ग्राउंड में छोड़कर आया करते थे। दोस्तों, इस तरह मोहम्मद इरफान अपने क्रिकेट के करियर को आगे बढ़ाते गए और आज ये न सिर्फ अच्छी खासी शोहरत कमा चुके हैं बल्कि एक अमीर क्रिकेटर भी बन चुके हैं। इसके अलावा ये 7 फुट 1 इंच कद के साथ दुनिया के लंबे तरीन क्रिकेटर होने का एजाज भी अपने नाम कर चुके हैं। क्या बात है। नंबर 3, हसन अली। दोस्तों, गुजरांवाला के एक छोटे से गांव के एक गरीब घराने में पैदा होने वाले हसन अली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मैच विनर खिलाड़ी हैं। इन्होंने इंतहाई थोड़े अरसे में न सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बल्कि अपनी शोख मिजाजी की वजह से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया हुआ है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में हसन अली की फील्डिंग पर जहां अफसोस का अंबार खड़ा किया गया, वहीं 2017 के इंडिया और पाकिस्तान के मैच में इनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से मुखालिफिन के मुंह बंद किए गए, क्योंकि वो हसन अली ही था जिसने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया के छक्के छुड़ा दिए थे। एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले हसन अली को देख कर कभी भी किसी को ये गुमान न था कि ये मुस्तकबिल में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। लेकिन एक रोज़ क्रिकेट अकेडमी के मालिक ने इन पे सख्त मेहनत की और आज इन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नंबर 2, दोस्तों, 2 मरतबा दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज रहने वाले मोहम्मद यूसुफ का शुमार भी उन क्रिकेटर्स में होता है जो इंतहाई गरीब थे। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक लाहौर के एक गरीब घराने से था और क्रिकेट से पहले ये बहुत गरीब हुआ करते थे और अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए ये दर्जी का काम किया करते थे। दोस्तों, मोहम्मद यूसुफ बचपन से ही क्रिकेट का शौक रखते थे, लेकिन बल्ला खरीदने के पैसे न होने की वजह से ये आम लकड़ी के फट्टे से ही काम चला लिया करते थे। जवान होने तक क्रिकेट का यही शौक इनको क्रिकेट ग्राउंड तक भी ले आता है। इनकी बैटिंग से इम्प्रेस होकर लाहौर के एक क्रिकेट क्लब ने इन्हें अपनी टीम में शामिल होने की ऑफर की, जो ये खुशी खुशी कबूल कर लेते हैं और यहीं से इनके क्रिकेट कैरियर का आगाज हुआ। दोस्तों, आपको बताते चलें कि मोहम्मद यूसुफ का ताल्लुक ईसाई मजहब से था, लेकिन 2006 में इन्होंने इस्लाम कबूल करके अपना नाम यूसुफ यूहाना से बदलकर मोहम्मद यूसुफ रख लिया। नंबर 1, शुएब अख्तर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर और दुनिया के तेज तरीन बॉलर होने का एजाज़ अपने नाम करने वाले शुएब अख्तर का ताल्लुक भी एक इंतहाई गरीब घराने से था। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के तेज तरीन बॉलर शुएब अख्तर बचपन में 5 साल की उम्र तक चल भी नहीं पाते थे और 13 साल की उम्र तक वो बॉल पकड़ के दौड़ भी नहीं सकते थे, लेकिन क्रिकेट के जुनून से इन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और घर से 1 घंटे की दूरी के फासले पर क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करते थे। यहाँ तक इनके पास किराए के पैसे भी नहीं हुआ करते थे और ऐसे में पैदल ही जाया करते थे। और उसके बाद जब लाहौर में इनको सिलेक्शन के लिए जाना था तो उस वक्त भी इनकी जेब खाली थी। किराया ना होने की वजह से ये बस पर लटक कर लाहौर पहुँचे थे। वहाँ पर इन्होंने रात रोड के किनारे एक टांगे वाले के साथ गुजारी और सुबह होते ही वही टांगे वाला इनको ग्राउंड तक ले गया था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस मायानाज बॉलर को सबसे खतरनाक बॉलर के तौर पर जानती है, जिसके सामने बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रावलपिंडी एक्सप्रेस के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएँ कि इनमें से आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन सा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ने गहबान। सो गाइज, ये सी वीडियो टॉप 10 पाकिस्तानी क्रिकेटर की स्टोरी की पिछे उन्होंने किवें लाइफ सी, है ना, किवें गरीबी विचों निकले। बिल्कुल, हर सफल आदमी पिछे जिहड़ा बंदा सफल हो जाता है ऊंचाइयां नूं छुलंदा हुंदा पिछे कोई ना कोई राज जरूर हुंदा, कोई ना कोई मेहनत दा राज। जिवें आपां कहिंदे आ कि हर सफल बंदे पिछे इक लेडीज़ हाथ हुंदा, बट उहदी मेहनत दा हाथ भी हुंदा। बिल्कुल, बंदे दी मेहनत भी बहुत जरूरी हुंदी है। ते तुसीं देखिआ कि मोस्टली हर एक क्रिकेटर जो दिखाया इस वीडियो विच 10 बंदे सन, 10 बंदे सन, 10 स्टार सन पाकिस्तान दे, जिन्हां कोल पैसे नहीं सन, अपना बैट भी नहीं सी, बैट खरीद भी नहीं सकदे सी, खाने नूं पैसे नहीं सन, ग्राउंड पर जाना वह भी पैदल जाना, सिलेक्शन वास्ते जाना वह भी पैदल जाना, तो एवें दे मुश्किल हालात तो उभर के एक वधिया खिलाड़ी बने, तो अपने देश नूं रिप्रजेंट किया, तो बहुत वधिया परफॉर्म भी किया। बिल्कुल,
बिल्कुल ये मान वाली गल है। बिल्कुल ठीक है, मोहम्मद आसिफ ने अपना करियर अपने आप खराब किया क्योंकि वह फिक्सिंग पै गया से फिक्सिंग पेन करके उनका करियर खराब हो गया। बाकी अदरवाइज जिन्हें भी क्रिकेटर है सारे ने बहुत वधिया परफॉर्म किया अपनी कंट्री वास्ते ते अमेजिंग वीडियो। बिल्कुल वाइज बहुत अमेजिंग से वीडियो, मतलब इस वीडियो तो तुम सीख भी सीख सकते हो। मोटिवेशन जो तुम लेना चाहो तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਤੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਕਰੋ DM। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਹਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਪ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਰੱਬ ਰੱਖ।